Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th exponent of real number chapter, in which we will discuss question number 21 to 30. Question number 21 से 30 तक आज पूरे question discuss होंगे from the book Balaji. आइए start करते हैं question 21. लेकिन start करने से पहले आप हमारे channel Mayank Mathmania को अधिक से अधिक like share subscribe कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में x माइनस 1 की होल पावर 3 है इक्वल टू 8 के है, तो आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू. ठीक है, आप क्या करोगे x माइनस 1. समझ में आई बात? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बड़ा आसान, पूरे क्वेश्चन आसान, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. मैं बार बार कहता हूँ, अब बताओ कोई भी संख्या है उसके ऊपर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है. ठीक है, 2 की पावर 0 है तो यहाँ पर मान 1 होगा, 8 की पावर 0 है तो यहाँ भी मान 1 होगा, 6 की पावर 0 है तो यहाँ भी मान 1. तो आप देख रहे हो 1 1 2 अपॉन मतलब 2/1, इसका जो आंसर आ रहा वो 2 आएगा. ठीक है, किसका? ये 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन में 6 पावर 0 का आंसर 2 आ रहा. ठीक है, समझ गए होगे. फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पावर माइनस में है, तो आपको पता है इसको हम पलट ले रहे हैं. ठीक है, 125 को ऊपर, 64 को नीचे, और यहाँ 2/3 है माइनस में, तो अब वो क्या हो जाएगी? प्लस में. अब हमको ये बताओ, यहाँ पर अपॉन 3 है ना, इसका मतलब ये सारी चीजें 5 की मतलब क्यूब के रूप में निकलेगी, तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3 और ऊपर होल पावर 2/3. इसी तरह से 64 को क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3 और यहाँ 2/3. ठीक है, तो अब देखिए 3 से 3 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो मान आएगा वो 5 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2. 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16. तो यहाँ से आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है 4 की पावर x, ठीक है, इसको मैंने लिया, फिर माइनस 4 की पावर x माइनस 1, तो हमने इसको कर लिया ये चीज. ठीक है, आपको पता है कि अगर यहाँ पर 4x माइनस 1 है तो मैं इसको तोड़ के 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप इसको मल्टीप्लीकेशन है, आधार समान, तो फिर से जोड़ोगे तो यही तो मिलेगा, यानी मैं इसको तोड़ के ये लिख सकता हूँ. ठीक है, आओ इधर इसको लिख लिए. अब हम बात करते हैं इक्वल टू ये किसके बराबर है? 24 के. तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर x है जो कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए 4 की पावर x, और जिसका कुछ नहीं उसका 1. ठीक है, मैथ का जो 1 होता है वो खुदा होता है, और जो 0 होता है वो राक्षस होता है, इस चीज को जान लीजिए. ठीक है, हाँ, 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 24. अब यहाँ देखो 4 की पावर x, यहाँ 1 हो गया, माइनस 4 की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन 4 इक्वल टू 24. तो यहाँ पर 4 की पावर x हो जाएगा. डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करेंगे, 4 बन जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3/4 इक्वल टू 24. इतना समझने में कोई दिक्कत? आइए फिर से देखिए 4 की पावर x, ठीक है, ये 4 जो है उधर ले जाओ, या 3 बन जा 3, 8 जा 4 नहीं हो जा रहा, तो 4 8 जा 32. ठीक है, तो यहाँ पर 4 की पावर x बराबर बेटा क्या हो गया? 32. ठीक है, तो अब ये देखो 4 के रूप में तो 32 टूटता ही नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 को 2 की पावर 5 लिख ले रहे हैं, क्योंकि 2 को 5 बार गुणा करोगे 2 2 2 2 करके, तो 32 हो जाएगा. और 4 की पावर x है तो उसको मैं 2 के ही रूप में बदल ले रहा हूँ, यानी 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ऊपर x. अब यही चीज बेटा 2 की पावर 2x हो जाएगा बराबर 2 की पावर 5. अब बेस इक्वल है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 5. तो x बराबर 5/2, तो x का मान तो मुझे क्या मिल गया? 5/2 मिल गया. अब x का मान जब 5/2 मिला है तो हमें चाहिए क्या था? हमें तो चाहिए था 2x की होल पावर x, इसका मान चाहिए था. ठीक है, तो इसका जब मान निकालने चलेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू x, x का मान क्या हो गया? 5/2 हो गया, और होल पावर x है, फिर से देखो ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा. तो आप देखो 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 5/2. अब इसको और कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज हो गया क्वेश्चन नंबर 24. अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की. तो 25 भी बहुत आसान है, 25 में कुछ भी नहीं है जो ऐसा आपको दिक्कत करे, एक बार आप ध्यान से तो देखिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर
25 में क्या है? 25 ये है कि 8 की पावर x प्लस 1 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 64 है। फिर यहां पर देखिए हमसे पूछ क्या रहा, 3 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो ये हम बाद में निकालेंगे, पहले x का मान हमें पता चले, ठीक है। तो यहां 8 की पावर अगर x प्लस 1 है तो 8 ही के रूप में 64 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, आधार समान यानी बेस इक्वल है, और यहां जो पावर है वो भी क्या होगी इक्वल, जब यहां इक्वल साइन हो तो, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 2, कंपेयर कर लीजिए तो आप देखो x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2, ये 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो गया। अब x बराबर 1 आ गया तो हम इसमें मान रखने चल रहे हैं, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान पूछा गया, तो x का मान मेरा निकल के आया है 1 और ये प्लस 1, तो अब देखो 3 की पावर 2 1 जा 2 और 2 और 1 मिलके 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है ये कि x की पावर माइनस 2 का मान दिया हुआ है, x की पावर माइनस 2 का मान दिया है किसके बराबर, 64 के बराबर। फिर आप देखो यहां पर हमसे पूछ रहा है x की पावर 1/3 और प्लस में x की पावर 0, तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 64 है, यहां पावर माइनस 2 है, ठीक है, तो यहां पर हर हालत में जो पावर है वो क्या बननी चाहिए, माइनस 2 बननी चाहिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/(x^2) लिख सकते हैं ना माइनस में, बराबर क्या 64, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो यानी 1/64 ऐसे रहने दो, x² इधर रहने दो। अब यहां पर देखोगे तो यहां हम 1/64 को स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1/8^2 लिख सकते हैं, इसी 2 को हम होल में भी कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना, 8 का स्क्वायर 64, तो यानी इस चीज को मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां x², अब पावर की तुलना करोगे तो जो आधार है वो किसके बराबर आ जाएगा, x = 1/8, तो आपने x का मान पता कर लिया, x ही का मान पता करना था, अब x की जगह क्या लिख लोगे 1/8, ऊपर पावर क्या 1/3, फिर यहां पर 1/8 और इसकी होल पावर 0, तो आप देखो कि 1 की पावर अगर 1/3 करेंगे तो 1 ही आना है, 8 को हम लिख सकते हैं 2^3 और इसको 1/3 इसके ऊपर आने दीजिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट थोड़ा किया है। अब यहां संख्या इसके ऊपर पावर 0 तो इसका मान 1 होना है, 1 की पावर चाहे जितना हो ये मान 1 होगा, और ये 3 से 3 कटेगा अपॉन में 2 प्लस 1, तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, कैसे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर इक्वल करो, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो यही आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है 26 भी निपटता है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, क्वेश्चन नंबर जो 27 है कुछ नहीं है उसमें भी, क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि 2^3^2 यानी 2^6 लिख सकता हूं, ये 3 है ये 2 है, तो 3^3^2 = 6 हो जाएगा, 2^6 हो जाएगा, और यहाँ 4^ क्या है 6 है, ठीक है, 4^x है, तो हमसे पूछ क्या रहा x³ का मान, तो यानी मैं x पता कर लूं काम चल जाएगा। देखो यहां से मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2^2 लिख सकता हूँ, ऊपर x है 2^6, आप देखो यहाँ कंपेयर कर लो बेटा, क्योंकि यहां भी आधार सेम ही है, तो 2x हो जाएगा, तो यहां से देखो ये सेम होने का 2x बराबर क्या हो गया 6, 2^1 = 2^3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान क्या हो गया 3, और 3 अब हमसे x³ पूछ रहा, ये बताइए 3 निकला है ना x का मान, तो 3^3 यानी कितना हो जाएगा 27। इसको समझने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें आप अपना जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। 2^6 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है 16^2x + 3 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 64^x + 3 है। फिर हमसे क्या कर रहा है, कह रहा 4^2x - 2 को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे कि 16 और ये सारी चीजें जो है एक जैसे हो तभी काम बनेगा, ठीक है, उसके बाद x समान यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ और 4x में से 3x गया, x बराबर क्या हो जाएगा 3, हमसे तो ये पूछा है, तो 4^ अब 2 x की जगह हमें क्या मिला है तो 3 मिला है, हम यहाँ 3 रखेंगे माइनस 2, तो 3^2 = 6 में से 2 गया 4, तो 4^4, आपको पता है 4 इसको हम ये लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256,
सिक्स। तो आप देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 256। अब जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो ये है कि 2/3 की पावर यक्स, 2/3 की होल पावर यक्स है, फिर यहाँ 3/2 की होल पावर 2x है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 81/16 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से मुझे यही पूछ रहा है x का मान बताइए, x का मान पता करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ कोई चीज ना बेस इक्वल है ना यहाँ पर पावर कुछ है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज जैसे 2/3 है, 2/3 की होल पावर x ऐसे पड़ा रहने दे रहे हैं, ठीक है, या इसके अंदर हम इसको इस रूप में कूड़ा कर ले रहे हैं, जैसे x हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से जब इसको करेंगे तो 3 की पावर 2x और 2 की पावर 2x इक्वल टू 81/16, ठीक है। अब यहाँ देखो सब चीज 2 और 3 है, 81 और 16 को 2 और 3 के रूप में फोड़ो, जैसे 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, यानी ओवरऑल में देखूं तो ये चीज क्या लिखी जा सकती है, 3/2 की होल पावर 4, ठीक है, समझिए इस चीज को। अब आगे आइए देखते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर जितने भी हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, 2 की पावर x 2 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर 2x अपॉन में 3 की पावर x। तो आप देख रहे हो 3 वाले एक साथ हो गए और 2 वाले एक साथ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, या इस चीज को नीचे लाइए, ये पॉजिटिव बना रहने दो, तो 2 की पावर 2x पहले से ही है, ये नीचे आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, या ऐसे कर लो, एक स्टेप आपको और बढ़ा के मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है, यहाँ अपान में कुछ नहीं। फिर देखो यहाँ 3 के इसको ऊपर ले जाओ तो 3 की पावर 2x अपान में 3 की पावर x है, ऊपर जाएगा तो बेटा ये 3 की पावर -x हो जाएगा, ठीक, और नीचे अब यहाँ कुछ नहीं, और 3/2 की होल पावर क्या है, 4 है। तो अब देखिए यहाँ से 2x और -x, तो आप कहोगे 3 की पावर क्या हो जाएगा, x, इसी तरह से 2x में से एक x गया, फिर से x बचा तो 2 की पावर x बचा, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो आप यहां समझिए, जैसे 2 की पावर आप यहां गुणे में है ना, ये मान मल्टीप्लीकेशन में, तो आपस में पावर क्या होती है, जुड़ती है। अब यहां जोड़ने का मतलब क्या है, माइनस एक्स वाला हिसाब है, तो 2 की पावर 2x - x, तो आप देख रहे हो 2 की पावर 2x में से एक x गया, यक्स बचा, ठीक है, तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है। अब यहां से भी देख रहे हो ये दोनों चीज क्या है, 3/2 के रूप में है, यक्स इनके ऊपर भी है और 3/2 इधर भी है, तो आप कंपेयर कर लो, ठीक है, क्या करोगे, अब कंपेयर करिए, तो कंपेयर करते वक्त क्या पाओगे, तो देखो यहां से 3/2 की होल पावर x, पहले इसे कंपेयर होने लायक तो बनाओ, तो यहां पर 3/2 की होल पावर 4, तो तुलना कर लो, x बराबर क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, क्यों, क्योंकि आधार समान है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे आपस में, वो भी बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा ही है, ठीक है, इसको बेटा मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप ही को करना होगा, और आप करके मुझे दिखाओगे, और नहीं आएगा तब आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 30 नहीं लगा है। तब तक के लिए थैंक यू, अधिक से अधिक हमारे चैनल मैंक मैथमेनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।